हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद कैफ। ठीक है, आज के ताज़ा तरीन एपिसोड में आपको बताना चाहता हूं कि जब मनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 का सीजन जीता तो लोग किस तरीका से उसे ट्रोल कर रहे हैं और किस तरीका से लोगों की गांड फट रही है और गांड जल रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए आप। यही है ना वो मुनव्वर? हाँ, यही है वो मुनव्वर, यही है वो डोंगड़ी वाला, यही है वो किंग जिसने बिग बॉस 17 सीजन को जीत लिया है। और देख सकते हैं आप कि अभिषेक जो नहीं जीत पाया तो किस तरीका से लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। जिसको तुम लोग बिग बॉस के अंदर सपोर्ट कर रहे हो, इसकी असलियत दिखाऊंगा तुम लोगों को। अगर फिर भी हिंदू भाइयों तुमने इसको सपोर्ट किया ना, जनता माफ नहीं करेगी। तो अपने आप को हिंदू मत बोलना, क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता को मजाक उड़ाएगा ना, सारा भाई जोगिंदर उसके ऊपर बोलेगा। अब तो सर बोल दे भोसड़ी के। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कौन मेरे को सपोर्ट करता नहीं करता, मेरे को अपने हिंदू भाइयों से फर्क पड़ता है कि वो मेरे साथ खड़े हैं। कौन है वो लौंडा जो आजकल बिग बॉस में उछाले मार रहा है? भोसड़ी के वो उछाले नहीं मार रहा, वो मुनव्वर जो है ना वो तेरी गांड मार रहा है। मुनव्वर सीता माता को गलत बोल रहा है। सीता माता का मजाक बना रहा था यार। भैया देखो, मैं तो इतना डरता हूँ कि मजाक मत बनाओ। संविधान है देश में, राम का मजाक बनाओगे तो काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। हिंदू जाग रहा है, फिर भी अपना हिंदू जाग नहीं रहा है भाई साहब, हिंदू जग चुका है। अगर अच्छा तू जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है ना, वो बिग बॉस 17 का सीजन जीत चुका है। नहीं जीतता ना तो तू ऐसे वैसे नहीं करता। और तू ही ने एक बार पठान मूवी में शाहरुख खान को ट्रोल किया था कि वो मूवी नहीं चल सकती थी, क्या हुआ? चल गया। लास्ट में तू जाके माफी मांगा कि नहीं मामा? इस बार भी तू माफी मांगेगा, मेरे को मालूम है। अब देखिए, अब एक लोग का देखिए, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि ये मुनव्वर फारूकी हिंदुस्तानी है? ये मुनव्वर फारूकी, इसका आप डॉक्यूमेंट देखिए, ये खुद ये लेके चला डॉक्यूमेंट। आई एम फ्रॉम गुजरात, माई डॉक्यूमेंट बैंड इन 2002, ठीक है? ये बंदा का डॉक्यूमेंट खो चुका है। अब ये क्या प्रूफ है कि हिंदुस्तानी है? यही ना है, ये आपको बता दी, रोहिंग्या भी हो सकता है, ये बांग्लादेश से भी आ सकता है, ये आतंकवादी भी हो सकता है आने वाला टाइम में, बिग बॉस में भी अपने देश। भैया मुझे लगता है ये तेरा बाप भी हो सकता है, अपनी माँ से पहले कंफर्म कर ले, ये तेरा बाप भी हो सकता है। ये वीडियो आप देखिए आप। मेरे भाई अभिषेक ही जीतेगा, ये पक्की रिपोर्ट है। और उसके साथ बॉलीवुड वालों का नहीं, 36 बरादरी का सपोर्ट। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इस बार तो अभिषेक ही जीतेगा और बोले बॉलीवुड वाले का नहीं बल्कि 36 बिरादरियों का सपोर्ट है। भोंसड़ी का खुद का सपोर्ट तो है ही नहीं, इसको 36 बिरादरियों का सपोर्ट करवा रहा है।